हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनए ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे एड फिल्म मेकिंग की। फ्रेंड्स, एड फिल्म मेकिंग एक बहुत ही क्रिएटिव पार्ट है। जब हम कोई ऐड बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एड फिल्म के लिए तो एक कंसेप्ट होगा, एक स्क्रिप्ट होगी, एक टीम होगी। तो आज इन सब चीज़ों को, फिर प्रोडक्शन है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, म्यूज़िक है, वॉइस ओवर है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। एक मतलब प्री प्रोडक्शन से जो प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन जो वर्क है, इस पर डिस्कशन करेंगे और इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे। क्योंकि एड फिल्म एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा मतलब पूरा प्रोसीजर है जिसमें बहुत ही दिखने में, तो चूँकि नॉर्मली जब ऐड देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही छोटी है, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, कभी कुछ ऐड बाकी ह्यूमर दिखता है, कभी कुछ ऐड बाकी बहुत ग्लैमराइज दिखता है, कभी कुछ क्रिएटिव दिखता है। मतलब डिफरेंट तरीके से एडवर्टीजमेंट का जो कंसेप्ट है वो है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी जो मेकिंग है, एड फिल्म की जो मेकिंग है, वो किस तरह से है और कितना टफ है और कितना क्रिएटिव है, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर मेजरली हम इसको डिवाइड करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। जब प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कंसेप्ट हमारे पास आना चाहिए। एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है जो हम जो क्लाइंट के हिसाब से और पूरे एज ए टीम हम डिस्कस करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। जब हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं तो फिर कंसेप्ट के बाद इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू होती है। स्क्रिप्टिंग में, प्री प्रोडक्शन में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि कंसेप्ट क्या है, किस तरह से हमको डिलीवर करना है। और स्क्रिप्ट में भी, जब हम स्क्रिप्ट में काम करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ और भी बेसिक चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर हम ये डिस्कशन करें कि ये एडवर्टीजमेंट जो है, ये जो ब्रांड है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसमें किस तरह से एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, इसका क्या कंसेप्ट होना चाहिए। और अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी मैच्योर्ड ब्रांड है, मार्केट में है, तो उसका अलग कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से। बेसिक में जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं कि वो ब्रांड किस तरह का है, किस जोनर का है, किस टारगेट का है, और उसके हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट की जाती है। तो सबसे मेजर पार्ट होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट करने के बाद जब हम इस कंसेप्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हम वो दो चीज़ रखते हैं, या तो हम इसे ग्राफिकली करते हैं या तो फिर हम इसको वीडियो के थ्रू करते हैं। वीडियो के थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली हमको आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एज़ पर सब्जेक्ट, एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर बजट, हम इसमें आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में सबसे पहला काम हमारा स्क्रिप्ट का हो गया। स्क्रिप्ट हमको ऐसा बनाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो इन सब चीज़ों से क्लियर कर दें कि जो एड फिल्म है, एड फिल्म का पूरा इंटायर कंसेप्ट मैक्स टू मैक्स गोज टू 1 मिनट्स। और अगर हम बेसिक चैनल की बात करते हैं तो आप नॉर्मली जो चैनल में देखते हैं, या 10 सेकंड देखते हैं, 20 सेकंड देखते हैं, 30 सेकंड देखते हैं, ये एक नॉर्मल है। अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप 1 मिनट भी देख सकते हैं। और चूँकि जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो 10 से 20 सेकंड ही चलाती है, चूँकि एक अवेयरनेस के लिए होता है, बाकी डिटेलिंग तो अलग अलग हो जाता है। तो जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले प्री प्रोडक्शन की बात होती है। प्री प्रोडक्शन में हमने एक स्क्रिप्ट की बात कर ली, स्क्रिप्ट ओके कर लिया। स्क्रिप्ट फाइनल के बाद जो है, एज़ पर कंसेप्ट, उसके अंदर आर्टिस्ट की बात होती है, तो फिर हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, फिर आर्टिस्ट को फाइनलाइज करते हैं एज़ पर कंसेप्ट, कि किस तरह का कंसेप्ट है और किस तरह की आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके जो प्री प्रोडक्शन में जो सेकंड पार्ट आर्टिस्ट के बाद आता है, वो होता है लोकेशन। अब अगर हमारा कंसेप्ट है और हमारे पास आर्टिस्ट हैं तो देयर शुड बी अ लोकेशन, क्योंकि किसी एक लोकेशन पर ही हम शूट कर सकते हैं। तब लोकेशन कैसा होना चाहिए, अब कंसेप्ट के हिसाब से। आजकल तो आपको पता है कि आजकल इनसाइड स्टूडियो में हम क्रोमा लगा के बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर लोकेशन की बात करते हैं तो वो भी एक लोकेशन का ही पार्ट होता है। तो प्री प्रोडक्शन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक पहली हो गई स्क्रिप्ट, दूसरा हो गया आर्टिस्ट का सिलेक्शन फाइनलाइजेशन, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा जो लोकेशन। तो जब 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम उसके जो सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में अभी ये देखना पड़ता है कि हम जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जो कंसेप्ट हमारे पास है, वो किस तरह का कंसेप्ट है। और ऑब्वियसली सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों में सबसे जो मेजर रोल है, वो है बजट का। बजट के हिसाब से फिर हम पूरी टीम तैयार होती है हमारी प्रोडक्शन की। उसके अंदर अपना DOP हो गए, हमारे डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्ट जो भी पूरी एक इंटायर टीम होती है, वो एक टीम तैयार हो गया प्रोडक्शन का हो गया। प्रोडक्शन के बाद जब एक शूट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद एक जो पोस्ट से पहले एक और प्रोडक्शन का पार्ट है, वो है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में चूंकि हमने जो कंसेप्ट लिया है उसमें मेल और फीमेल का वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो वॉइस ओवर का पार्ट हो जाता है।
और वॉइस ओवर के बाद फिर चूँकि म्यूज़िकली हम वॉइस को मेंटेन करते हैं तो उसके बाद आता म्यूज़िक। अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास बजट है तो हमें अलग से म्यूज़िक भी जनरेट करते हैं, म्यूज़िक भी बनाते हैं, उसके लिए फिर अलग से एक टीम होती है, तो वो एक इंटायरेक्ट अलग प्रोसेस हो जाता। तो पोस्ट प्रोडक्शन इसके बाद आता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन। अब पोस्ट प्रोडक्शन में जब सारी चीज़ें आपकी आपकी शूटिंग हो चुकी है, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, वीओ तैयार हो चुका है, आपका म्यूज़िक तैयार हो चुका है, तो फिर हम बैठते हैं एडिट पे बैठते हैं। एडिट पे बैठने के बाद फिर हम उसे पूरा इंटायर जो प्रोसेस है उसको फिर हम एडिट करते हैं। तो इस तरीके से जो एक पूरी एड फिल्म है इसका पूरा प्रोसेस तीन से गुजरता है, फर्स्ट प्री प्रोडक्शन, सेकेंड प्रोडक्शन एंड थर्ड इज़ पोस्ट प्रोडक्शन, और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वो प्रोसेस है, लेकिन दिखने में छोटा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही क्रिएटिव वर्क है, और बहुत ही आप चूँकि 10 सेकंड 20 सेकंड देखते हैं और उसका उसको देखते हैं इस तरीके से किस तरीके से बनना है, क्या बनना है, पूरा कंसेप्ट पे बेस करता है। तो ये तीन प्रोसेस से गुजरता है। ये एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा गाइस आज का एक प्रोडक्शन के बारे में, बिल्कुल एक छोटा सा, और इस पर और भी हम डिस्कशन करेंगे। तो होप्स हो कि आपका ये जो तीन जो पैरामीटर है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।